कौटिल्या बलरामपुर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग एक लंबे समय से पढ़ रहे हैं SDG, सतत विकास लक्ष्य। आपने संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम सुना होगा, भारत का नाम सुना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में आपने देखा होगा कि 193 सदस्य शामिल, एक बैठक भी हुई और उसमें लक्ष्य रखा गया 2015 में कि सतत विकास लक्ष्य पूरा विश्व चाह ले तो कुछ हम लोगों के जो पृथ्वी पर कमियां हैं वो दूर किया जा सकती है। अब आपके मन में ये भी बात प्रश्न उठता होगा कि इसको पढ़ने से कहाँ बेनिफिट होगा। पहली बात, वनडे परीक्षा में UPP, SSC, रेलवे, ISPCS में, यानी UPSC में आपका जो GS का थर्ड पेपर है उसमें आता है और प्री में भी आता है। तो इन प्रश्नों को हम पढ़ के बहुत अच्छे से आगे पढ़ सकते हैं और सतत विकास लक्ष्य से SDG से उसका क्रम भी पूछता है। तो इस क्रम को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। जैसे होता क्या है कि आपने देखा होगा पुअर्टी, यानी गरीबी। अब गरीबी के लिए क्या है कि जो देश ज़्यादा गरीब हैं तो उनके लिए उतना विकास नहीं हो पाता है, लोगों के लिए समस्याएँ होती हैं और गरीबी में जो है धीरे धीरे उनके भोजन की कमी हो जाती है। आप बहुत शिक्षित हैं और आपको अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है तो आप गरीब के श्रेणी में ही आएंगे। इसी तरह से भूखमरी, आदमी बढ़िया पैंट शर्ट पहने हुए है लेकिन शाम को जो है उसके जेब में पैसे नहीं और वो भूखों मर रहा है। तो ये क्या करना होगा, भारत के संदर्भ में देखा जाए तो इसको दूर करना होगा। भारत ने जो है बहुत अच्छी पहल की है। हाँ, ये जरूर है कि जो कोरोना 2019 में शुरुआत हुआ तो उस कोरोना के दौरान भारत की भी जो है जो लक्ष्य रखा गया था, गोल रखा गया था, उसमें थोड़ा बहुत समस्याएं भी, लेकिन 2024 की रिपोर्ट के अनुसार अब भारत की जो है यानी गरीबी काफ़ी दूर हो गई है, भुखमरी काफ़ी दूर हो गई है। तीसरा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो बहुत इम्प्रूव हुआ है। 2019 में जब कोरोना आया था तो भारत ने लगभग 130 देशों को अपनी मेडिसिन सप्लाई की थी। तो स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य हो, अच्छा स्वास्थ्य हो तो उससे जो है बहुत अच्छा विकास होता है। होगा क्या, जब हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी देश जो है आगे वृद्धि करेगा और हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहेगी। उसके बाद है गुणवत्ता युक्त शिक्षा। अब तो जो है आप डिजिटल से भी पढ़ ले रहे हैं, आप कई ऐप ऐसे आ गए हैं उसमें भी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी भी विकसित हो गई है तो शिक्षा का भी जो है महत्व बढ़ा है। यहाँ लैंगिक समानता, लैंगिक समानता जो है ये भी ध्यान रखना कि लैंगिक समानता में जो है यानी महिलाओं शिक्षा। अभी आप देखिए भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भी 106वां संविधान संशोधन महिलाओं के संदर्भ में अब 33% महिलाएं। देखिए हमारे बगल में ये नाजरीन मैम, नाजरीन मैम आप देखिए। कौटिल्या बलरामपुर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग एक लंबे समय से पढ़ रहे हैं SDG, सतत विकास लक्ष्य। आपने संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम सुना होगा, भारत का नाम सुना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में आपने देखा होगा कि 193 सदस्य शामिल, एक बैठक भी हुई और उसमें लक्ष्य रखा गया 2015 में कि सतत विकास लक्ष्य पूरा विश्व चाह ले तो कुछ हम लोगों के जो पृथ्वी पर कमियां हैं वो दूर किया जा सकती हैं। अब आपके मन में ये भी बात प्रश्न उठता होगा कि इसको पढ़ने से कहाँ बेनिफिट होगा। पहली बात, वनडे परीक्षा में UPSC, SSC, रेलवे, ISPCS में, यानी UPSC में आपका जो GS का थर्ड पेपर है उसमें आता है और प्री में भी आता है। तो इन प्रश्नों को हम पढ़ के बहुत अच्छे से आगे पढ़ सकते हैं और सतत विकास लक्ष्य से SDG से उसका क्रम भी पूछता है। तो इस क्रम को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। जैसे होता क्या है कि आपने देखा होगा पुअर्टी, यानी गरीबी। अब गरीबी के लिए क्या है कि जो देश ज़्यादा गरीब हैं तो उनके लिए उतना विकास नहीं हो पाता है, लोगों के लिए समस्याएँ होती हैं और गरीबी में जो है धीरे धीरे उनके भोजन की कमी हो जाती है। आप बहुत शिक्षित हैं और आपको अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है तो आप गरीब के श्रेणी में ही आएंगे। इसी तरह से भूखमरी, आदमी बढ़िया पैंट शर्ट पहने हुए है लेकिन शाम को जो है उसके जेब में पैसे नहीं और वो भूखों मर रहा है। तो
तो ये क्या करना होगा, भारत के संदर्भ में देखा जाए तो इसको दूर करना होगा। भारत ने जो है बहुत अच्छी पहल की है। हाँ, ये जरूर है कि जो कोरोना 2019 में शुरुआत हुआ तो उस कोरोना के दौरान भारत की भी जो है जो लक्ष्य रखा गया था, गोल रखा गया था, उसमें थोड़ा बहुत समस्या भी, लेकिन 2024 की रिपोर्ट के अनुसार अब भारत की जो है यानी गरीबी काफी दूर हो गई है, भुखमरी काफी दूर हो गई है। तीसरा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो बहुत इम्प्रूव हुआ है। 2019 में जब कोरोना आया था तो भारत ने लगभग 130 देशों को अपनी मेडिसिन सप्लाई की थी। तो स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य हो, अच्छा स्वास्थ्य हो तो उससे जो है बहुत अच्छा विकास होता है। होगा क्या, जब हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी देश जो है आगे वृद्धि करेगा और हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहेगी। उसके बाद है गुणवत्ता युक्त शिक्षा। अब तो जो है आप डिजिटल से भी पढ़ ले रहे हैं, आप कई ऐप ऐसे आ गए हैं उसमें भी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी भी विकसित हो गई है, तो शिक्षा का भी जो है महत्व बढ़ा है। यहाँ लैंगिक समानता, लैंगिक समानता जो है ये भी ध्यान रखना कि लैंगिक समानता में जो है यानी महिलाओं शिक्षा, अभी आप देखिए भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भी 106वां संविधान संशोधन महिलाओं के संदर्भ में अब 33% महिलाएं, देखिए हमारे बगल में ये नाजरीन मैम, नाजरीन मैम आप देखिए, अभी लोगों के जो अधिकार मिलेंगे ये एक दिन जो है आपको संसद में बैठे हुए मिलेंगे। यहाँ पे देखो जस्ट सौम्या मैम है, ये लोगों को देखो LLB है, और आने वाले समय में एक अच्छे एडवोकेट और न्यायाधीश रहेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है कि हमारी महिलाओं को, चाहे वो हमारी बहनें हो, माताएं हो या बेटियां हो, इन लोगों को आने वाले समय में बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी। तो ये है महिला। उसके बाद ऊर्जा, ऊर्जा के क्षेत्र में आप देखिए पहले क्या रहता था कि हम ज्यादातर कोयले का प्रयोग करते थे, ज्यादातर हम लोग मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, लेकिन धीरे धीरे क्या है ये जो इस पे जो हमारी निर्भरता है अब वो धीरे धीरे कम करना है, हमें सौर ऊर्जा पे, पवन ऊर्जा पे, इस पे ज्यादा जो है विकास करना है, तभी जो है हमें आगे बढ़ना। आपने देखा होगा स्वच्छ जल, जब तक स्वच्छ जल नहीं मिलेगा तब तक भी दिक्कत रहेगी। तो स्वच्छ जल के लिए अब जो है भारत सरकार ने कई ऐसी जो है योजनाएं शुरू की है जिससे स्वच्छ जल मिलता रहेगा। इनोवेशन का आपने नाम सुना होगा, इसके माध्यम से भी जो है आप औद्योगीकरण, देखिए अब शहरों में जो है ज्यादातर लोग रहते हैं और वहां विकास हो रहा है, तो देश का इस तरह से विकास होगा। धीरे धीरे हम आते हैं और इन पूरे विश्व में अगर प्रभाव डाला जाए तो भारत एक विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। 2023 का जो लक्ष्य रखा गया है वो भारत के अदर संदर्भ में देखा जाए तो भारत अवश्य प्राप्त करेगा। हाँ, विश्व का सहयोग जरूरी है, क्योंकि एक देश से नहीं पूरे विश्व से जो है रखेंगे। आइए हम जो है अब एक एक करके आपको विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ये आप लोगों ने देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके बारे में जो है आप फिगर के माध्यम से आप देखिए, ये है जो आपका बना हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कितना अच्छा सुनहरा फिगर बना है जिसमें 17 गोल्स दिखाए गए हैं। इन 17 गोलों में अगर हम देखा जाए तो सही माने में कि जैसे कहते हैं कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, जल के अभाव में चाहे जीव जंतु हों, वनस्पतियाँ हों, मनुष्य हों, मतलब कोई भी हो, उसके लिए जो है जीवन संभव नहीं बन पाएगा। इसी प्रकार से हमने अभी चर्चा किया कि नवीकरणीय संसाधनों के प्रति हम यदि सतर्क नहीं हैं तो एक दिन ये हमारे लिए बहुत दुर्लभ हो जाएगा। अच्छा, कुछ अननवीकरणीय संसाधन हैं जो निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं यदि हम उनका जो है अधाधुंध उपयोग करेंगे, तो इसलिए हमें करना क्या है, ज़रूरत है कि इन संसाधनों का विवेकपूर्ण अगर प्रयोग किया जाए। आप देखिए स्क्रीन पर कि अगर हम इन संसाधनों का जो है सही से प्रयोग नहीं करेंगे तो आगे नहीं होगा, यही जो है आपका संसाधन संरक्षण कहते हैं, जिनका उपयोग हमारे साथ साथ अन्य भावी पीढ़ियां करेंगी। उसके बाद आपको ये दिमाग माता होगा कि
क्वेश्चन आपके इस तरह से भी आ सकते हैं कि SDG जो है ये कब जो है इसको उपयोग में लाया गया, यानी कब इसके बारे में मंथन किया गया, कब इसकी बैठक हुई। तो 25 सितंबर 2015 में, जिसमें 17 लक्ष्य पूरे विश्व ने जो है निर्धारित किए थे। अब इन लक्ष्यों में 5P का भी जो है विशेष बल दिया जाता है। जैसे यदि जनता नहीं होगी, लोग नहीं होंगे, तो वो भी दिक्कत है। ग्रहों के बारे में, प्रॉस्पियरिटी के बारे में, और पीस चूँकि आने वाले समय में बहुत ही कोलाहल रहता है, तो उसमें शांति ज़रूरी है। विश्व स्तर की हमें भागीदारी बनाना है, पार्टनरशिप, घर में, गांव में, देश में हो सकता है, लेकिन जो है इस ग्लोबलाइजेशन में पूरे विश्व स्तर पर पार्टनरशिप होना चाहिए। भारत ने जलवायु पहल योजना के लिए जो है 2 अक्टूबर 2015 को प्रस्तुत की थी। 2 अक्टूबर आप जानते हैं 1689 महात्मा गांधी का जन्मदिन पड़ता है, और उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि 2030 तक हम 40% ऊर्जा जो आवश्यकता का गैर जीवाश्म स्रोतों, जैसे अभी हम चर्चा किए थे कि चाहे वो पवन हो या जल से या जो है बायोमास या परमाणु जो है ऊर्जा से, उससे हम प्राप्त करने का वचनबद्ध हैं। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय श्रीधर नरेंद्र मोदी जी इस सेंस में जो है बहुत अच्छा कार्य करेंगे। कुछ लड़कों को रहता है कि ये 17 जो हमारे हैं लक्ष्य हैं, इनको हम कैसे याद करेंगे। तो आप जानते हैं कि एक पॉवर्टी है पहला, यानी जीरो पॉवर्टी, यानी जो है शून्य बेरोजगारी। दूसरा हमने सुना होगा हंगरी, यानी जीरो हंगर, यानी हमें जो है शून्य जो हमारी ये है भूखे व्यक्ति, यानी एकदम कोई ऐसा व्यक्ति ना रहे कि जो है कि जो भूखा रहे, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और धीरे धीरे विकसित राष्ट्र की ओर हो रहा है। इसी तरह से एक आपने नाम सुना होगा हेल्थ, हेल्थ भी कहा जाता है कि जो है अच्छा हेल्थ होना चाहिए। तो ट्रिक के रूप में आप जान सकते हैं, कई जगह आप लोगों ने नाम सुना होगा वैसे भी, कि PHHEGWE ग्रोथ इनोवेशन ICCCLNPP। अब इसको जो है आप कई तरह से बना सकते हैं। एक तो प्रिया हैस 100 इम्पटी गोल, ऐसा भी बना सकते हैं। और दूसरा आप बना सकते हैं कि पंडित हरिहर इंग्लैंड गए, वहाँ यानी W इंग्लैंड की ग्रोथ और इनोवेशन से इंडिया को एक मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया कि 3C यानी सिटीज और कंजप्शन और क्लाइमेट, अब इसका नाम कुछ लोग CCC से यानी कपूर भी कह सकते हैं, और 2 लाइफ ऑन लैंड एंड लाइफ बिलो वाटर, यानी 2 लहसुन जल से आप बना सकते हैं। उसके आगे 2 पीस और पार्टनरशिप, अब ये ज़रूर है कि हम पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप नहीं कर रहे हैं, लेकिन शांति के लिए जो है प्रयास करते हैं। तो ये जो है आप ट्रिक के माध्यम से नहीं कर सकते, लेकिन व्याख्यात्मक रूप में जैसे नो पॉवर्टी, यही है कि जो है संसार में कोई भी भूखा ना रहे। जैसे इन बच्चों पे आप नज़र डालिए, भीख मांगते हैं, यानी इनकी इतनी गरीबी है कि इनको जो है इनके झोपड़ी नहीं है। जीरो हंगर, हमें क्या लाना है, कोई भी भूखा ना रहे। 2 नंबर, 3 नंबर में गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, यानी अगर अच्छा हमारा स्वास्थ्य रहेगा, इसके लिए गांव-गांव में आप देखे होंगे सामुदायिक विकास केंद्र खोले गए हैं। भारत जो है दवाइयों के ऐसे मानक निर्धारित कर रहे हैं कि अब मनमाना दवाई नहीं कोई बेच सकता है, तो गुड हेल्थ अच्छा हो। आप देखे होंगे कि जो है आयुष्मान योजना वो भी चल रहा है। नेक्स्ट आप देखिए क्वालिटी एजुकेशन, जैसे कहा जाता है कि एवरी पर्सन लाइक टू बी क्वालिटी नॉट इन क्वांटिटी, तो उसी तरह से शिक्षा में भी होना चाहिए गुणवत्ता परक शिक्षा। हमें क्या होना चाहिए, कोई टेक्निकल डिग्री लेना है, हमें क्या होना चाहिए, यदि हम टेक्निकल डिग्री हमारे पास है तो हम अपना जीविकोपार्जन अच्छी तरह से करेंगे। तो ये है क्वालिटी एजुकेशन। उसके बाद आप फिफ्थ में देखिए जेंडर इक्वलिटी,
जेंडर इक्वलिटी, यानी अब जेंडर में जो है यानी समानता होनी चाहिए, लिंग समानता, लिंग समानता ही सबसे बड़े। नेक्स्ट आप देखिए, क्लीन वाटर एंड सेंटेंस। तो क्लीन वाटर यानी अगर आपका स्वच्छ पानी, अब देखिए आरओ लगे हुए हैं और इन आरओ में आजकल जो है हम लोग पानी अगर दूषित आ रहा है तो उसको जो है साफ करने के लिए तो इन आरओ का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आप देखिए गंगा का, तो दिल्ली में आप देखिए कितना प्रदूषण है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रख के हमें इस पे है। हाँ ये ज़रूर है कि बीमारियाँ धीरे धीरे आदमी को ज़्यादा सता रही। एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी कहने का मतलब ये है कि हमें सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उस पर ध्यान देना है जो एक लंबे समय तक टिकाऊ रहे। उसके बाद ग्रोथ, यदि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, एग्रीकल्चरल ग्रोथ होगा और लोगों को डिसेंट वर्क जगह मिलेंगे तो देश का विकास होगा। जब तक हम सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विकास नहीं कर पाएंगे तब तक देश का विकास नहीं होगा। महात्मा गांधी कहा ना भी है कि यदि गांवों का विकास होगा तो देश का विकास होगा, यदि गांव नष्ट हो गए तो देश नष्ट हो जाएगा। तो महात्मा गांधी का वर्ड आज भी मुझे याद आ रहा कि महात्मा गांधी उस समय कितने दूरदर्शी थे जिन्होंने ये रखा था। नाइन में है आपका इनोवेशन, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंडस्ट्री जो है इससे क्या होगा, जितना इंडस्ट्री लगेगा अच्छा वो देश विकसित माना जाएगा। यानी प्राथमिक क्षेत्र में कुछ कमी आएगी और इंडस्ट्री क्षेत्र में हम बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बढ़ाएंगे तो उससे जो है देश और विकसित बढ़ेगा, तभी हमारा जो है डेवलपमेंट राष्ट्र बनेगा। 10 नंबर में रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, हमें जो असमानता है उसको और कम करना है। हम क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो जो है क्या कहते हैं कि जो हमारा समाजीकरण है एक ये बन जाता है कि उच्चिष्ट वर्ग के हैं, निम्निष्ट वर्ग के हैं, या ये गवर्नमेंट जॉब के ये इतने सैलरी के हैं, तो ये जो हमारी इनइक्वालिटी है उसको समाप्त करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा। 11 नंबर पे है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, यानी जो सिटी है कम्युनिटीज है उस पे जो है वर्क होना चाहिए, तब जो है देश विकसित होगा, कमर्शियल पे ज़्यादा होना। 12 नंबर में है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। आपने नाम सुना होगा कार्ल मार्क्स का, हेगल का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने चौखंबा सिद्धांत दिया, इन्होंने जो है आपने कार्ल मार्क्स का सुना होगा। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो है यानी उत्पादन ज़्यादा वृद्धि हो, सरप्लस थ्योरी, यानी उनका आपने देखा होगा कि इसमें जो शोषण होता है वो मजदूरों का होता है, लेकिन मजदूरों को क्या करना चाहिए, अपने उसी पे ध्यान देना चाहिए और कंजप्शन जो है यानी कम से कम जो है हमारी खपत रहे, हम जो है विदेशों को ज़्यादा निर्यात करें तब जो है अच्छा रहेगा। क्लाइमेट एक्शन, अब देखिए जलवायु, जलवायु जो है बहुत ही हो गया, देखिए आप जलवायु परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है, अब वो चाहे समुद्र से समझ लीजिए या क्लोरोफ्लोरोकार्बन से आप सीएफसी गैस का, या जो है अन्य माध्यमों से, यानी जलवायु परिवर्तन कई उस पर जो है डिपेंड करता है। 12 नंबर में है लाइफ बिलो वाटर, तो लाइफ बिलो वाटर यानी वाटर का जो लेवल है जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले ही हमने कहा कि जल बिन नीर, यानी कोई भी मछली है तो बिना जल की संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे आप देखिए लाइफ ऑन लैंड, जीवन कहाँ संभव है, आप जानते हैं कि अब पूरे हमारे जो पूरे ब्रह्मांड का या पूरे ये मान लीजिए पूरी पृथ्वी पर धरातल पर 70% के लगभग जो है वाटर है और 30% लैंड है। उन लैंड में भी जो है कई जगह ऐसे हैं कि जहाँ प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, जीवन संभव नहीं है, चाहे वो रहन सहन को लेकर हो या अन्य को लेकर हो, तो लैंड भी अच्छा होना चाहिए। और 16 नंबर है पीस जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन, यानी शांति न्याय, और जब तक
स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। आपस में लोग लड़ते रहेंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे शांतिपूर्ण जो है जीवन व्यतीत करें, यानी आपस में यदि कोई हो तो अच्छा न्याय मिले, चाहे वो कोर्ट हो तो कोर्ट भी जो है न्याय अच्छा करें, जो संस्थाएं हैं वो भी अच्छा करें। अब करना क्या है कि हमें अब जो है अपने देश से जो है नहीं रख खाली रहना है, हमें चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, इन सबसे अच्छे जो है पार्टनरशिप रखना है। तभी जो 1991 में, यानी आप उस समय जब आप ध्यान गए तो पामुलपति वेंकट रमन नरसिंह राव जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो है ये लागू किया था, ग्लोबलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है। तो इनसे जो है यानी ये सार्वभौमिकरण जो लगा, अब इससे क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप होना चाहिए। भारत ने देखो पार्टनरशिप के द्वारा अब बहुत से विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ जो है इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए, आप अयोध्या में देखिए जो रामचंद्र भगवान जहाँ पे विराजमान है वहाँ पे देखिए आप कितने विदेशी लोग आकर अपने जो है सब स्थापित कर रहे हैं। आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा। तो सतत विकास लक्ष्य से आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट से इसको 2-3 बार आप रिवाइज करिएगा, और एक बार अगर ये पूरा रट गया तो आपका ट्रिप भी वो अच्छा रहेगा। यहीं पे मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ। जय भारत, जय कौटिल्य, जय हिंद।